हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 11 जून 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन से राकेश मोहन जोशी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी सुशील कुमार सिंह, और ऑप्शन डी समीर बंसल। तो प्रश्न संख्या एक का जो सही जवाब हो जाएगा, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ समीर बंसल बने हैं। प्रश्न संख्या एक का सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या दो है कि हाल ही में किसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से राकेश मोहन जोशी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी राजप्रिय सिंह, और ऑप्शन डी समीर बंसल। प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या तीन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है। ऑप्शन से IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, और ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान IIT खड़गपुर बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न संख्या चार कि दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है। ऑप्शन से श्रीधर गुप्ता, ऑप्शन बी विनेश मलिक, ऑप्शन सी नरसिंह, और ऑप्शन डी जनार्दन शर्मा। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब हो जाएगा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नरसिंह को नामित किया गया है। प्रश्न संख्या पाँच है कि तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण तीन में किसने स्वर्ण पदक जीते हैं, अपने नाम किए हैं। ऑप्शन से माया बिश्नोई ने, ऑप्शन बी तेजल राजेंद्र सालवे ने, ऑप्शन सी कुमुद सैनी ने, और ऑप्शन डी वसंती मोहतो ने। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या छः कि भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेड हेल ब्राउनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन से सुमित नागल, ऑप्शन बी तेजल राजेंद्र सालवे, ऑप्शन सी कुमुद सैनी, और ऑप्शन डी वसंती महतो। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सुमित लागल, जो भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने हेल ब्रानर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। प्रश्न संख्या सात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है। ऑप्शन से 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, और ऑप्शन डी 18वीं। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे प्रधानमंत्री के लिए शपथ ग्रहण के बाद यानी 10 तारीख यानी 10 जून 2024 को जारी की है। प्रश्न संख्या आठ की दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन से प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी शंकर लालवानी। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम सिंह तमांग, दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न संख्या नौ है कि भारत प्रवासी कलाकारों के एक समूह
पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने किस देश में रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शन से कतर में, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी मोजाम्बिक। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 10, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है जिनका न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ऑप्शन सी प्रेम सिंह तमांग, ऑप्शन बी अमोल काले, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी शंकर लालवानी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी अमोल काले, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका दिल का दौरा पड़ने से न्यूयॉर्क में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 11, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन से पोलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी मोजाम्बिक। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 12 है कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? ऑप्शन से पोलैंड, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी मोजाम्बिक। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। प्रश्न संख्या 13 है कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। प्रश्न संख्या 13, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है इस बार मंत्रिमंडल में, जो मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें। प्रश्न संख्या 14, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल, एच डी कुमार स्वामी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर इत्यादि मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? ऑप्शन से वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी गोपालगंज। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीतकर भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। प्रश्न संख्या 16 है कि नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कौन सी वी बार प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन से दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार, ऑप्शन सी चौथी बार और ऑप्शन डी पांचवी बार। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरी बार। प्रश्न संख्या 17 के फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी राफेल नडाल और ऑप्शन डी कार्लेस अल्काराज। तो प्रश्न संख्या 17 का सही हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब कार्लेस अल्काराज ने जीता है, जो पहला इनका फ्रेंच ओपन का खिताब है। प्रश्न संख्या 18 के संयुक्त
राष्ट्र महासभा UNGA के 1979वें अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए राकेश मोहन जोशी, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी फिलेमोन यांग और ऑप्शन डी विजय खंडूजा। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिलेमोन यांग। प्रश्न संख्या 19 के हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए राजस्थान ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी तमिलनाडु ने और ऑप्शन डी ओडिशा ने। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड ने। प्रश्न संख्या 20 से इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी नई मुंबई में। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी। प्रश्न संख्या 21 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी हंगरी में और ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया में। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में खुला है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 11 जून 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप रेगुलर देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर listening and watching.